नमस्कार दोस्तों, तो की हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में पहाड़ों से। तो दोस्तों, मॉर्निंग के करीब 7:30 बज रहे हैं, मैं उठ चुका हूँ, फ्रेश होके दूध पी रहा हूँ अभी। आप लोग अभी उठे हो कि नहीं उठे हो कमेंट में शेयर करिएगा। तो दिन शुरू करते हैं, अपना ब्लॉग शुरू करते हैं, देखते हैं आज दिन भर क्या क्या हो सकता है। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के खूबसूरत दिन की और खूबसूरत ब्लॉग की, देखते हैं आज क्या क्या हो सकता है। अभी तो फिलहाल उठ के दूध पी रहा हूँ फ्रेश होके। तो फिलहाल मौसम दिखाता हूँ आपको, सुबह का व्यू दिखाता हूँ आपको, काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है सुबह के समय में। तो कुछ इस प्रकार का व्यू आ रहा है आज, देखिए। तो खूबसूरत सुबह हो चुकी है पहाड़ों में। ये देखिए, तो दोस्तों मॉर्निंग रूटीन है। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ दूध डेयरी की तरफ, क्योंकि डेली का काम होता है सुबह के समय में, डेयरी पे जाओ दूध पहुँचाओ। तो चलते हैं कसैली मार्केट पे, डेयरी पे पहुँचते हैं और कैसा माहौल बना हुआ है कसैली मार्केट पे वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो बाकी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, तो अपना पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। तो चलिए, मैं तो घर से आ चुका हूँ, फिलहाल आधे रास्ते पर हूँ, तो कसैली मार्केट पहुँचता हूँ, दूध दूध लव करते हूँ, जैसा भी माहौल बना हुआ है मार्केट में वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो फ्रेंड, ये है मॉर्निंग पीरियड में कसैली मार्केट का हाल है, लोगों का जनजीवन शुरू हो चुका है, बाकी चहल पहल काफ़ी कम है। आज संडे भी है, वैसे भी सरकारी जो भी यहाँ पर दफ्तर हैं, चाहे बैंक हो, समिति हो, ये चीज़ें सारी बंद हैं, तो इस चक्कर से क्राउड थोड़ा कम है। बाकी सामने शिवालय मंदिर हमारा, तो आशीर्वाद ले लीजिए सुबह सुबह, भोलेनाथ बाबा के दर्शन कर लीजिए। तो व्यू कुछ इस प्रकार आ रहा है मार्केट का अभी सुबह के समय में। तो दूध दूध फिल्म मैंने कर लिया, तो आप चलते हैं सीधे घर की तरफ। तो अभी करीब 10 बजे का समय हो रहा है, घर आके कसैली मार्केट से दूध दूध फिलअप करके अभी मैं जा रहा हूँ अपने पड़ोस में, वहाँ पर आज हमने लकड़ी बनाने का निमंत्रण है, वार्षिक श्राद्ध होने वाला है हमारी फैमिली, जहाँ मैंने पिछले आपको दिखाया था कि यहाँ पर कैजुअलिटी हुई है शिवरात्रि के समय पर, तो वहाँ पर जाना है। तो आज वहाँ पर वार्षिक श्राद्ध के लिए लकड़ियाँ बनाई जाएंगी, तो हेल्प करने जाना है। तो अभी जा रहे हैं जंगल होते हुए, साथ में आगे चल रहा है हरीश भाई, देखिए मस्त जंगल होते हुए चल रहे हैं। और जो सामने दूर एक घर दिखाई दे रहा है, मैं हल्का जूम करता हूँ, तो इस घर के आगे जाना है हमने, तो वहाँ पे है उनका घर, हमारी ही फैमिली है। बाकी यहाँ से व्यू देखिए, काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है, मकान ऐसे लग रहे हैं इस तरफ कि जंगलों के बीच में एक दो मकान होंगे, और काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। तो चल रहे हैं हम भी, बस पहुँच जाते हैं वहाँ पर, और जो भी काम होगा, लकड़ियाँ जितनी भी बनाई जाएंगी, लकड़ियाँ बनाना, जंगल से लाना, फिर उनको फाड़ना कुल्हाड़ी से, तो टोटल काम आज वहाँ पे होंगे। अभी हम जा रहे हैं जंगल होते हुए, और एक खास चीज़ ये रहती है पहाड़ों में, हर 2 महीने में समय बदलते रहता है। इससे पहले जो 2 महीने थे उसमें पूरे जंगल में आपको बुरांस देखने को मिल रहे थे, पूरा जंगल रेड रेड हो रखा था एकदम, और आजकल पूरे जंगलों में जहाँ जहाँ काफल के पेड़ हैं तो काफल पक रहे हैं काफ़ी शानदार, और घरों में फ्रूट्स तैयार हो रहा है, आड़ू प्लम वगैरह ये चीज़ें तैयार हो रही हैं। अगले 2 महीने बाद फिर कुछ अलग यहाँ का रंग रूप देखने को मिलेगा, बरसातें शुरू हो जाएंगी, तो सभी जगह एकदम प्यारी हरियाली देखने को मिलेगी, खूबसूरत एरिया देखने को मिलेंगे आसपास के सभी। तो पहाड़ों भी हर 2 महीने में अपना रंग बदलते रहते हैं, यही पहाड़ों की अपनी बढ़िया खूबसूरती होती है। तो चलते हैं धीरे धीरे उनके घर पर पहुँचते हैं और कुछ काम धंधा देख लेते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते हम एक मस्त पॉइंट पे पहुँचे हुए हैं, और यहाँ से जो व्यू देखने को मिल रहा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, क्या व्यू देखने को मिल रहा है, अल्टीमेट व्यू देखिए। अभी थोड़ा हम हाइट पे हैं, तो यहाँ से व्यू देखिए, दूर दूर तक आपको गांव देखने को मिलेंगे, दूर दूर तक लोगों के घर देखने को मिलेंगे, और जो ये सामने रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से होते हुए हम आए, और इस तरफ पूरा ऊपर को जंगल है। मौसम भी काफ़ी अजीब हो रखा है, ना ढंग से धूप आ रही है ना बारिश हो रही है, काफ़ी अजीब सा मौसम दिख रहा है अभी, लेकिन जो मौसम बना हुआ है काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बढ़िया लग रहा है, और व्यू के तो क्या कहने इस ऊंचाई से। तो चलते हैं सीधे अब
दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने जंगल से लकड़ियाँ लाके लगभग इतनी लकड़ियाँ यहाँ पर फाड़ दी हैं। एक दिन का कार्य है वार्षिक सात का, ज़्यादा लकड़ियों का कार्य नहीं है, ज़्यादा लकड़ियाँ लगेंगी नहीं, तो लगभग इतना कार्य हम लोगों ने कर दिया है। तो अभी चला हो चला है लंच टाइम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सहतूत का पेड़ है, भाई लोग सभी यहाँ पे सहतूत खा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया फल होता है इसका भी कोई जवाब नहीं, तो खाते हैं सहतूत तोड़ दे। इससे खून बढ़ता है, ये चीज़ तो खाता है तभी तो जीवित है भाई। क्या कहते हैं कुन भुवन दाय? सहतूत सहतूत कहते हैं। तो दोस्तों करीब 2 बजे का अभी समय हो रहा है, हम लोग वहाँ से खाना वाना खा के आ चुके हैं अपने घर की तरफ को। लकड़ियाँ जितने भी हमने फाड़नी थी लकड़ियाँ, टोटल लकड़ियों का टोटल काम हो चुका है। ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि एक ही दिन का कार्य होगा, तो ज़्यादा लकड़ियाँ बनानी नहीं थी, तो कम लकड़ियाँ बनाई। तो खाना वाना खा के हम आ चुके हैं घर पे। तो आज से शुरू हो चुका है पहाड़ों का जो महीना होता है जेठ का महीना, तो वो शुरू हो चुका है। गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ेगी, एक महीना पूरा गर्मी का रहता है। तो अभी तो आ चुके हैं हम वहाँ से खाना खा के घर की तरफ को, तो आराम आराम करते हैं और फिर देखेंगे शाम को कुछ काम हो सकता है तो घर के। तो चलते हैं घर पे अपने और पहुँचते हैं, आराम करते हैं थोड़ी देर। तो दोस्तों शाम के 6 बज रहे हैं और मैं भी उठ चुका हूँ, मौसम भी काफ़ी प्यारा हो रहा है, सनसेट का टाइम हो चला है। तो एक बार व्यू दिखाता हूँ शाम के समय में कि ऑसम व्यू आ रहा है पहाड़ों से। आज धूप काफ़ी तेज़ थी क्योंकि आज से गर्मियों का खास महीना जो पहाड़ी में बोला जाता है जेठ का महीना, वो शुरू हो चुका है। तो उसका असर आज देखने को मिला, धूप भी काफ़ी तेज़ थी आज। अभी तो धूप काफ़ी हल्की हो चली है, सनसेट का समय हो चला है क्योंकि शाम का समय है। तो व्यू काफ़ी मस्त आ रहा है, नज़ारे काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं, आपके साथ एक बार शेयर कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस प्रकार का व्यू आ रहा है अभी शाम के समय में, बढ़िया खूबसूरत व्यू देखिए। तो सामने की तरफ होने वाला है सनसेट। बाकी यहाँ पर हरीश भाई देखिए मिर्ची के पौधों को पानी दे रहा है, मनु भी है। मनु तू क्या कर रही है, तू काम क्यों नहीं कर रही है, तू भी डाल हेल्प कर दे। ये देखिए बढ़िया से मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं और उस पर पानी डाल रहा है हरीश भाई। तू खुद में ही गिरा ले, आराम से डाल, नीचे नीचे करके डाल। तो इस प्रकार दोस्तों पहाड़ों में हम लोग ये बैगन मिर्चा वगैरह ये चीज़ें लगाते हैं और इस प्रकार उस पर पानी देते हैं। कुछ समय पानी देना होता है, फिर जैसे ही बारिशों का सीज़न शुरू हो जाएगा तो फिर इन पर पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि तब तक ये अपना पकड़ लेते हैं, अपनी जड़ मजबूत कर लिए होते हैं और मिर्ची लगनी इन पर शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड पहाड़ों पर एक और निहायत ही खूबसूरत शाम होने वाली है। देखिए सनसेट हो चुका है, सूर्य देवता चले गए हैं और नज़ारे देखिए। काफ़ी प्यारे व्यूज आ रहे हैं शाम के समय में और बैकग्राउंड में आपको चिड़ियों की चहचहाहट जरूर सुनाई दे रही होगी। तो फाइनली दोस्तों पहाड़ों पे एक और ढलती हुई शाम होने लगी है और सभी ने अपने घरों की लाइट जलाना शुरू कर दी है। देखिए काफ़ी खूबसूरत शाम हो रही है, आसमान में चांद भी देखिए निकल आया है और पूरा चांद आया है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों इस खूबसूरत शाम के साथ आपसे लेते हैं विदा, आपसे मिलेंगे कल नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में शेयर करिएगा, चैनल में पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे पहाड़ों में एक और नए खूबसूरत दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।